खबर में हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी दरगाह में जाने की अनुमति होनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाजी अली के प्रबंधकों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। नूरजहां सफिया नियाज ने अगस्त 2014 में अदालत में याचिका दायर कर यह मामला उठाया था। उन्होंने हाईकोर्ट से सूफी संत हाजी अली के मकबरे तक महिलाओं के प्रवेश की इजाजत मांगी थी। और आपको बता दें कि महिला संगठनों ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। The Bombay High Court has given its reserved judgment and set aside the ban which was imposed on the entry of women, and they have restored the status quo ante. That means the earlier position when women were allowed has been restored. It has been held that the ban violates articles 14, 15 and 21 of the Constitution. And therefore the ban has been set aside. And therefore they have granted 6 weeks stay on the operation of the order, which means that though the High Court has held that women can go into the sanctum sanctorum, that won't happen for 6 weeks, and now the entire battle will shift to the Supreme Court. उसको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और औरतों को उस लायक समझा कि ये जा सकती है। जो ट्रस्टी ने हमें समझा कि हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमको कोर्ट पे पूरी उम्मीद थी और कोर्ट के फैसले पर हम थे और कोर्ट ने आज हमें फैसला सुना दिया। हम 6 हफ्ते के बाद जरूर हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों के साथ हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। हाजी अली दरगाह का जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। महिलाओं को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, जो संविधान ने 1950s को हमें अधिकार दिया है, वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा था। मजार तक जो प्रवेश है हाजी अली दरगाह में, वो जो है वो उस पर पाबंदी लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है।